बस्मिल्लाम असल नाजरीन नाजरीन दो दिन पहले फैसलाबाद में पाकिस्तान के अंदर दोबारा शब खून मारा गया और पंजाब गवर्नमेंट ने अपने कुछ वर्दी और बगैर वर्दी के जैसे कहते हैं सिविल ड्रेस में ज्यादातर लोगों को फैसलाबाद के एक छोटा सा गांव है टू सिक्सटी वन रे बे जिसको लद्दो वाली कहते हैं वहां पे एक अहमदिया मास्क के ऊपर हमला किया गया रात की तारीखी में और वहां पे जाके उनके मीनार को जो जोसे वो गिरा दिया गया ये मैं आपको बल्कि भी देता हूँ वो मीनार जो से थे उनको ये मीनार लगे हुए इस वक्त मीनारों को गिराया गया मस्जिद के ऊपर जो कलमा लिखा था जो अल्लाह और रसूल लिखा था उसको बाकायदा बेदर्दी से उसको उसको नोच दिया और किया क्या कि उन्होंने कि जो सात उनका जो मटेरियल था उसको भी उठा के ले गए उन्होंने एक का कर्फ्यू लगा दिया था उस गांव के अंदर और एमडी घरों के ऊपर चढ़ गए थे MD के के घरों ऊपर वहां जाके जो जहां जहां कलमा लिखा गया था उसको भी नोचा गया और ना ही तकलीफ बात थी यारे। मैं इसके ऊपर डिटेल में जाने से पहले मैं मेरे साथ जो मेहमान है आपका उनसे तारुफ करा दू नसीम मलिक साहब हैं स्वीडन से, से वो उस पर वीडियो लिंक के ऊपर हैं वो सारी तफसील से हमेशा आगाह होते हैं और क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए वो काम करते हैं दुनिया भर में तो हमने उनसे बेहतर आदमी कोई नहीं मिलता था कि हमने उनसे लें कि ये आखिर क्या हो रहा है ये तो हर दूसरे महीने तीसरे महीने और खासतौर पर एफ ए टी एफ का जब इजलास होने लगता है उससे पहले ये पाकिस्तान के ऊपर अंदर शुरू हो जाता है और बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं और ये किसी ने किसी आहदी मस्जिद को टारगेट किया होता है मैं नसीम मलिका आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ जी, बो, जी शुक्रिया बहुत बहुत जी शुक्रिया बहुत बहुत जी शुक्रिया बहुत बहुत जी नसीम साहब आपको मैं वेलकम करता सॉरी आप जी 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 शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत, बहुत आपने मौका दिया एक बार फिर ऐसे वाक्यात के ऊपर गुफ्तगु करने का नहायत दुख की बात है कि ये जी ये 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 मैं ये कैसे हुआ आखिर अभी तो आपको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो पाकिस्तान के ऊपर कुछ कुछ कदगन लगाई थी और कुछ ऐसे थे जिससे पाकिस्तान का जो स्टेटस भी नीचे जा रहा था तो ये दोबारा ये हरकत करने की क्या जरूरत थी और उससे पहले शफकत और शगुफ्ता को भी उन्होंने रिहा कर दिया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला किया तो ये दोबारा से वही काम दोबारा शुरू हो जाता है एक तरफ से माफी मांगते हैं दूसरी तरफ से दोबारा वो शुरू होता है ये क्या होता है ज़रा इसमें बताइएगा जरा ये देखिए मैं मैं आपसे अर्ज कर दूं ये हमारे लिए खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी और जो हम लोग जो सियासत में और ह्यूमन राइट्स में एक्टिव हैं और पाकिस्तान के लिए फ़लस्तीन के लिए कश्मीर के लिए जो आवाज़ उठाते हैं कि बेहतरी के लिए और बड़ी हैरानगी की बात है कि कौन से अनासर पाकिस्तान में ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसे एक्ट कर रहे हैं और ये तो खुली खुली खिलाफ वर्जी है पाकिस्तानी कानून की आलमी कानून के कि इस तरह के वाकियात सामने ला कर उन लोगों को फिर बता दिया जाए कि जी पाकिस्तान है ही ऐसा मुल्क के पाकिस्तान में अमन नहीं है पाकिस्तान में सुकून नहीं है रवादारी नहीं है ह्यूमन राइट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो आप इसके ऊपर पाबंदियां लगाएं ये खुद अब हुकूमत को समझ लेना चाहिए आपकी बात सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक है कि जब भी कोई ऐसी आलमी तौर पर पाकिस्तान के को बात होती है तो एक ऐसा ग्रुप खास है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसे इशूज मजहबी रवादारी मजहबी कार्ड खेलता है ये बड़े पुराने अरसे से रवायत चली आ रही है मेरी समझ से बाहर है हम लोग तो कोशिश कर करके के पाकिस्तान को अपने अम्बासडर्स को जनेवा में यूनाइटेड नेशंस में अपना वाशिंगटन में सबसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि ऐसे अमल बंद कर दें जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो ये अहमदी लोग यासी इनकी बात इनकी इबादत गाहें इनके घरों से कर लेना ये तो वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात है कि अगर पाकिस्तान पे पाबंदियां लगती हैं कोई तो ऐसी बात होती है उसका हमें दुख होगा हम लोगों को दुख ऐसे तो लोग तो खुश हो जाते हैं अब हुकूमत को पहचानना चाहिए आपकी बात ठीक है नहीं देखे ना अब एफ ए टी एफ का इजलास है ये परसों है इलाज है शुरू होना है और ये छब्बीस तारीख तक रहना है ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट से ट्वेंटी सिक्स तक है और उससे पहले ये हरकत करना यह बिल्कुल ही नामनासिब है पाकिस्तान पहले ही एक शर्मिंदगी का से गुजर रहा है जैसे कि वो अभी मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज का वाक़ हुआ है उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जितना बदनाम हुआ है पाकिस्तान के मुंह के उस शख्स ने खालक मिली के उलमा दीन और मुफ्ती आजम मुफ्ती जो उनसे हैं जो खत्म नबोद का बहुत बड़ा चैम्पियन था उस उस बंद वो बंदा पकड़ा गया है वीडियो समेत वो तो चले एक अलग मौजू है उस पर हमने प्रोग्राम भी किए हैं

के सोशल मीडिया पर ब्रसल्स में यूरोप सारे में अमरीका में इस खबर को आंधी की तरह आई हुई है लोग दुनिया पे अपना भेज रहे हैं दूसरे को इसकी वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं ए, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर ये चीज चल रही है तो ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस है परसों इजलास शुरू हो रहा है और ऐसी चीज फिर उनकी टेबल पे पहुंच जाएगी तो जो जितनी पाकिस्तान अगर कोशिश भी कर रहा होगा उम्मीद है कि वो रवादारी का प्यार और मोहब्बत की कोशिश कर रहे होंगे अब ये देखें अब आपके सामने ये है ये कहाँ का इंसाफ है कहाँ का कानून है कौन सी इस्लाम की बात है इसमें कौन सी ब्लास्टमी है कि वो कलमा लिखा हुआ है और उसको इस तरह मटा रहे हैं इससे किसको खुशी हो रही है ये पाकिस्तान को और इस्लाम को इस्लामोफबिया की बात करते हैं इमरान खान साहेब अपना कुरैशी साहेब श्री मजारी साहिबा इस्लामोफबी ये इस्लाम की कौन सी आप खिदमत कर रहे हैं आप खुद दुनिया को बता रहे हैं कि हम इस्लाम को इस तरह बदनाम कर रहे हैं कि कलमा को कलमा को किस तरह हम मिटा रहे हैं तोड़ रहे हैं मीनारों को तोड़ रहे हैं कोई हमदर्दी नहीं है हमारे लिए वो तो वो खुद कह चुके हैं तो वो कहते हैं कि इस्लाम फोबियत सिर्फ मुसलमान के लिए होता है बाकी जिनको हमने गैर मुस्लिम कह दिया है उनके लिए ये चीज़ नहीं है वो उनको बेचबले आप आग में डालें गोली मारें जो मर्जी करें उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो उनकी बात उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में उनको कोई नहीं ये तो हमें हम जो ओवरसीज हैं आप उधर कनाडा में बैठे हुए हैं हम यहाँ यूरोप में बैठे हुए हैं हमें असर होता है कि लोग ऐसी चीजें देख के कि एक दूसरे के खिलाफ काम करके भड़का के जब आप जो राइट विंग लोगों को भड़काते हैं उनके जज्बात को तो वो हमारे खिलाफ होते हैं हमें असर होता है हमें तकलीफ होती है यहाँ के हमारा क्या होगा हमारे घरों को हमारी यहाँ जो प्रेस प्लेसेस मस्जिदें हैं यहाँ जो भी जगह इनको गिरा देंगे हमारे घरों को आग लगा देंगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है आपकी बात ठीक है नहीं तो यहां यहां तो के के लिए। कैनेडा में भी दो मस्जिदों के ऊपर अटैक हुए उसके अंदर उसको तोड़फोड़ हुई नुकसान हुआ एक एहमदी मास के ऊपर हुआ और एक दूसरी सुनियों की मस्जिद के ऊपर हुआ तो ये चीजें यहाँ भी शुरू हो गई क्योंकि ये चीजें दे रहे हैं फिर मैं अभी देख रहा था कि भारत के अंदर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर तो यानी कि नरेंद्र मोदी जो तो तोड़ रहा है उधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट तोड़ रही है मुकाबले के अंदर तो टूट मस्जिदें रही हैं हर जगह पे जो, जहां पर भी टूटने की मस्जिदें टूट रही हैं और कोई चीज का नुकसान नहीं होगा सिर्फ मस्जिदों का नुकसान हो रहा है वो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं देखिए इसका जो मतलब है जब तकरीर किया जी ये उसने हमारे लीडर ने अपना यूनाइटेड नेशंस में इस्लाम को डिफेंड किया ये डिफेंड कर रहे हैं आप ये डिफेंड कर रहे हैं कि अगर मोदी ऐसा एक्ट कर रहा है और आप भी यही एक्ट कर रहे हैं आप अगर कनाडा में वो उन्होंने गलत काम किया है मस्जिद को शहीद किया है तो आप पाकिस्तान में अपना एम की इबादत गाहों को शहीद कर रहे हैं आप उनकी इबादत गाहों को गिना रहे हैं कलमे को आप मिटा रहे हैं तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क है आया मुझे कोई आलम दीन कोई अपना ऐसा लीडर जो इस्लाम और रवादारी की बात करता है मुझे बता दे कि इस काम करने से हम इस्लाम की और पाकिस्तान की दुनिया में खिदमत कर रहे हैं कोई चैलेंज है मेरा कोई बताए आके कि ये हम इस एक्ट से मैं आपको अच्छा देखे आज़ा, आज़ा मुझे ये बताइए कि ये यूरोपियन यूनियन में कैसे आपका काफी ता, ताल्लुक रहता है आप यूरोप में भी हैं और आपको आप बड़े इन्फॉर्म होते हैं हमेशा तो ये जो एक्ट हो रहे हैं जैसे कि ये अभी इन्होंने है पे की मस्जिदों पर दोबारा से किया है तो क्या यूरोपीय यूनियन ने जो इन पे पाबंदियां लगा रहे थे उस पर असर पड़ेगा कुछ मजीद? ये लाजमी मैं आपको कल की एक जो न्यूज आई थी उन्होंने मुझे इस 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 तरह लिखा है उन्होंने कहा सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को ये यकीनी बनाना चाहिए कि आइन के आर्टिकल और अवी मतदा के इंसानी अलामिया आर्टिकल दो और अठारह के तहत तमाम शहरी आजादी मजहब और मसावी शहरी हकूक से पाकिस्तानियों को लुत्फ अंदोज करना पड़ेगा बगरना फिर दुनिया अपने फैसले खुद करेगी अब बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और इनशा दोबारा भी आपको प्रोग्राम लेते रहेंगे मैं अब एक छोटी सी बात बता दूं ये आखिरी वाकया नहीं है मुझे इतला मिल रही है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान को बदनाम करने वाले एफ टी एफ मीटिंग से पहले और भी ऐसे एक्ट करेंगे खबरें हैं हकूमत पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इतलात मिल चुकी है उनके टेबल पे पड़ी है उनको उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्ट करना पड़ेगा और आइंदा जिन ए, ये अहमदिया बैतू कर इनकी जो हैम इबादत गाहें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वरना वो लोग तैयार हैं और ये चीजें फैलेंगी जल्दी मलिक साहब बात आपकी बिल्कुल बड़ी होती है प्रोटेक्ट कौन करेगा पुलिस ही तो खुद करा रही है ये सारा काम अगर पब्लिक ने कराना होता पब्लिक को तो जमात अहमदिया के लोग खुद निपट लेते हैं पब्लिक की हिम्मत नहीं है लेकिन ये तो ये तो पुलिस करवाती है खुद आके अपने आर्म उनके पास اسلح होता है वो अपने साथ वो हो रहा है। लेकिन हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी मुहब वतन है पाकिस्तान को दरख्वास्त कर सकती है कि खुदारा हमारे मुल्क को बदनामी से बचाए बदनामी से बचाए ना सेंक्शन लगे अगर ऐसी लगी तो एक आम पाकिस्तान आदमी पाकिस्तानी मजदूर फैक्ट्री का मुलाजमेट होगा ठीक तो बात, बात है आपका बहुत, बहुत, बहुत दोबारा भी आपको नए मौजू के साथ दोबारा लेंगे अल्लाह न करे और ऐसे वाक्यात हो लेकिन लगता ये है की जो लोग इस, पे, इसके पीछे है वो कुछ, कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी असल शुक्रिया बहुत नाजरीन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफ नासर अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा